अज नगर कौंसल जैतो की प्रधान की चोण हुई जिस विच पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण आशू जी और फरीदकोट तो MLA कुशलदीप सिंह ढिल्लों पहुंचे सन जिस च सुरजीत सिंह बाबा नूं प्रधान बना दिता गया। अते दूजे पासे मुहम्मद सदीक ग्रुप ने इसका विरोध किया। मुहम्मद सदीक ने कहा कि साढ़े नाल बहुमत है फिर भी धक्के नाल प्रधान बना दिता। आओ देखते हैं इस दे बारे सारे मंत्रियों का की है कहना। फैसले तो अंदर होने साहब जी जरा पार्टी का जापता है वो उन्होंने समझा दिता जो स्नेहा साड़ी हाईकमांड का जो अमरिंदर सिंह जी का वो उन्होंने दस दिता साढ़े अंदर मार गए हैं मनजीत सिंह जी चल चुकी जी वो अंदर फैसला जो होगा उन्होंने दसनगे तो उस तो बाद जो रिजल्ट आएगा तो दिखा रहे हैं। 11 MCA ने जी बाहर परेड की है वो कहते हैं की हो रहा है 11 MCA ने कहा भी असं बिल्कुल लाल नहीं गए उसने उस फैसला होगा मैनू दसन आए मैं सिर्फ अपनी पार्टी ना जी जो फैसला होएगा वो थोड़े सारे सर उन्होंने यही दोष है भी वो जो तुम आखिया भी लफाफे चो मतलब कि जो प्रधान निकलेगा जी साहा से कोई सवाल नहीं बन रहे जी सर जो मैनू दसिया गया जो मैनू कन्वे करने को कहा गया मैं कर ये डिसाइड नगर कौंसल च ही होगा जी इतने साहब अंदर ही होएगा भाई अज तुहानू प्रधान बनाया गया उस बारे की कहना चाहते हो। सब तो पहला तो मैं साढ़े मुख्यमंत्री महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद करता साढ़े पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान श्री कुमार जाखड़ जी उन्होंने मैं तहत धन्यवाद करता साढ़े अच्छे भारत भूषण मंत्री फूड सप्लाई मंत्री आए थे जो पहले इतने इंचार्ज से झलूटी से मनजीत सिंह झलूटी जो रिजर्वर लाए गए थे तो उन्होंने देख रेख जो इलैक्शन हुई है साड़ी वो कानूनी प्रक्रिया के नाल हुई है ठीक है। बाकी मैं साढ़े जिला प्रधान संधु साहब का अजयपाल संधु जी का साढ़े हल्के फरीदकोट के MLA सरदार कुशलदीप सिंह ढिल्लों उन्होंने सारे कौंसलर का सारे जैतो निवासियों का सारा मैं धन्यवाद करता जिन्होंने मैंने MC बना के भेजा अज पंजाब सरकार का साड़ी का मैं धन्यवाद करता जिन्होंने इतने मैं नवाजा प्रधान बनाया युवराज रणिंदर सिंह जी मैं उन्होंने भी तहत धन्यवाद करता जी जिन्होंने एक बाबा जी दूजी धर के बंद का कहना है कि जो ये अज चोण हुई है इस वि धक्का हो इस बारे तुम की कहना चाहते हो। बिल्कुल धक्का नहीं होया ठीक है सारियां नूं जो कानूनी प्रक्रिया होई है जो AD साहब से मौजूद तो सारे की राय नाल सर्वसम्मति नाल हुई है कोई धक्का नहीं बिल्कुल ही कानूनी प्रक्रिया के राही हुई है सारे की सहमति नाल हुई है प्रक्रिया हुई है तुहाडे वल्लों इतराज़ जताया गया उसने लोकतंत्र की जी हत्या की गई है पहली गल दूजी गल मंत्री साहब आए एक बंद लफाफा उन्होंने ADC साहब के मेरे ख्याल से रीडर साहब से कौन सी उन्होंने कहा पहला साड़ी हाजिरी लवाई है सारे MC साहबाना की उस तो बाद साड़ी सहु चकाली सहु चुकाने बाद कहते प्रधान के वाइस प्रधान की चोण करनी है चोण करने वे कहते जी सू उपरों हाईकमांड तो जो भी पार्टी के जो संबंधित मैंने नहीं पता किड़े मंत्री साहब का जो कितों मुख्यमंत्री वालों से या कि वालों से उस उन्होंने नाम कहते भी सुरजीत बाबा जी प्रधान सीनियर मीत प्रधान सुमन देवी वाइस प्रधान जोड़ा एक अपना जीतू बंसल जी उन्हों का नाम उन्होंने अनाउंस करता इस उपरंत साढ़े जे असी 11 MC बैठे हैं 11 MC ने उठ के जोड़ा विरोध किया कि सर संविधानक रूप के वोटा पवाई जा 11 MC मैं थोड़े सामने भी पुख्ता करा दिना हाँ जी असं 11 MC सुमन देवी को प्रधान बनाना चाहते हैं हाँ जी हाथ चाह के दसो जी 11 बनाना चाहते हैं तो वाइस प्रधान साढ़े वार्ड नंबर 15 तो रजनी उन्होंने वाइस प्रधान बनाना चाहते हैं जी असं ठीक है जी तो ये थोड़े सामने क्लीयर है जी गल कि 11 MC एक पास है तो 5-4 MC एक पास है साढ़े वालों यह डन है हूँ गांह थोड़ा जो भी जिमें भी कोई कानूनी गतिविधियां या जो भी जो गांह है रूल एंड रेगुलेशन हमने हमने कौंसलर ने आके दसिया भी जी उत्थे कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई उत्थे कोई पूछगिछ नहीं हुई सिर्फ सातों हाजरी से दस्खत करवा के
उन्होंने कह दिता फलाना प्रधान है, फलाना सीनियर वाइस प्रधान है, तो फलाना वाइस प्रधान है। तो वो लोग उत्थे भी नहीं सके जिन्हों का नाम लिया गया। हाँ, 11 कौंसलर उत्थे खड़े सके, उन्होंने जवाब दे दिता भी नहीं, जदों इतने कोई है ही नहीं या प्रोसीडिंग नहीं हो रही, सानू वो मंजूर नहीं है, सानू मंजूर जिहड़ा कौंसलर हैगा तुसी या तो वोटिंग कराओ है जी, फिर फैसला होगा। हाँ जी। पर जिहड़े इत्थे आए सीगे सरकारी अफसर ADC साहब सरदार गुरजीत सिंह जी, हाँ जी, जी? वो सिर्फ ना पढ़ के वो चले गए ने, उन्होंने कुछ नहीं दसिया, कुछ नहीं कहना भी जो चिट्ठी आई है मैं तुम्हें सुना दिती है। मैं समझदा ये जिवें चोर मोरी च दाखला होंगे ना, ये इस तरीके दाखला किया गया प्रधान का भी वाइस प्रधान का भी। मैं ये गल सुन के मैं हैरानी बहुत हुई है भी चुने हुए 11 बंदे, क्योंकि 17 बंदे की इतने कौंसल हैगी है, तो उन्होंने 11 बंदे उत्थे हाजिर ने, तो जो चुने हुए जिन्होंने नाम लिया गया उत्थे कोई भी नहीं है। तो मैं बड़ी हैरानी हुई है भी उन्होंने किवें अनाउंस कर दिता। तो मैं ये सारी गल हूँ अपने हाईकमांड को, क्योंकि महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के राज इस किस्म का धक्का बिल्कुल नहीं हो सकता। मैनू यकीन है, मेरे बहुत चिर तो महाराज साहब नाल वास्ता है, वो जो कहते ने वो करते ने, और खास तौर पर संविधान के संविधान की प्रक्रिया के उनका बहुत विश्वास है। तो जो कुछ होया असंवैधानिक होया, संविधानिक नहीं होया। मैं समझदा जिन्हें लोगों ने किया, चाहे वह कोई भी सन, चाहे कोई वो MLA शामिल है, चाहे वो कोई कमेटी का मैंबर शामिल है, जिहड़ी कमेटी बनाई थी कोई भी शामिल है, उन्होंने जमहूरीयत नूं कह लो जी तार तार किया है। ये ठीक नहीं है। इस गल दे नाल इलाके दे लोगों नूं सट वजी है। मैं खुद इस इलाके का सेवादार हाँ, मेरे मन नूं बहुत तकलीफ हुई है। ये मैं सारी गलबात अपने CM साहब नाल करूँगा और उन्हें तो इंसाफ की मांग करूँगा, और मैं समझदा वो इंसाफ देंगे। मैं जैतो की सारी प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, तुसी सारे हालात देख के ही मेरे को आए हो, और मैं तुहानू अपने दिल की गल दस दी है। जो कुछ उत्थे होया वो कौंसलर ने आके मैनू दसिया भी जी असी सारे दे सारे एक पासे सी, लेकिन जिहड़े बंदिआं दे नाम अनाउंस होए ने उत्थे वो कोई भी नहीं सी, क्योंकि जे उत्थे प्रोसीडिंग हुंदी, जे उत्थे वोटिंग हुंदी तो असी बद सीगे, तो उन्होंने बंदे ने जितना नहीं सीगा। पर उंजी वो ADC साहब जिहड़े इत्थे इंचार्ज बनाए थे, एक नवीनर सके हाँ जी या रिटर्निंग अफसर जो भी सके, उन्होंने नाम अनाउंस किए, तो इन्नी गल सुन के वो चले गए ने, उन्होंने किसी को कुछ पूछा नहीं, किसी को कुछ जवाब। हाँ, मैंने ये भी पता लग्या भी एक दो पत्रकारा ने जो उन्होंने पूछा गया जेडे इतने ऑबजरवर सेगा भी की है की नहीं, वो कहना मैंने कुछ नहीं पता है, ये जो कुछ लिखा हुआ तो कुछ तो तुम्हें पता होगा, तुम चंडीगढ़ आए हो आखिर तुम ये पत्र लैके आए हो, वह ना 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 जो कुछ ये है वो ही कुछ होगा। यानी पत्रकारा भी उन्होंने कोई तसली बख्श जवाब नहीं दिता। तो मैं समझदा जमहूरीयत तसली बख्श जवाब देना बहुत जरूरी है। लोग वोटा पाते ने अपने मन की शांति वास्ते, अपने मन की तसली वास्ते, तो जो उन्होंने तसली नहीं का जवाब तसली बख्श जवाब नहीं मिलता तो उन्होंने हृदय आहत हों, और यही गल अज जैतो में हुई है। तो मैं इस गल अपने हाईकमांड को, मेरा मतलब साढ़े CM साहब कैप्टन महाराजा अमरिंदर सिंह जी को उठाऊंगा, और मैं पूरा यकीन है वो इंसाफ देंगे। ये यह है, वैसे तो महाराज साहब का कहना ही बहुत बहुत बड़ी गल होंगी है, पर जे जरूरत पी महाराज साहब ने जो इशारा करता, क्योंकि मैंने उन्होंने कहा हुआ है उसदी तेरे हल्के दे विच अगर कोई ज्यादती होंगी है, अगर दखलअंदाजी होंगी है, मेरे नोटिस लिया और उन्होंने कानूनी तौर पर ठीक करा, मैंने उन्होंने कहा हुआ। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग किन्ने अपन MC चाहिए सी उत्थे जी, ते किन्ने अपने को हाजिर सी, ते दूजी पार्टी को किन्ने हाजिर। बेनती यह है भी प्रोटोकॉल के लिहाज न जिवें इत्थे 17 MC ने, 18 इत्थे MLA साहब ने, इस हिसाब के नाल उन्होंने कोले मैं समझदा सिर्फ 6 बंदे सी जिहड़े उत्थे नहीं गए। अच्छा जी। 11 बंदे साडे कोल सी, MLA साहब अपने दोस्त कोले बैठे सी, जदों वोटिंग हुई मैं आ जाऊंगा। ठीक है जी।
है जी। चलो वोटिंग नहीं हुई, प्रोसीडिंग नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, इस करके ये सारा काम राम रौला च पै गया और राम रौला करके अपने अपने घर वो भज गए ने। तो मैं समझदा भी ये कोई सरकारी प्रक्रिया सही तरीके दे नाल प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं हुई है। वो उन्होंने अपनी मनमर्जी की है जो कि जमहूरीयत डेमोक्रेसी के मनमर्जी नहीं चलती होंगी। ठीक है, धक्केशाही है ना, ये धक्के सीएम साहब भी देख लेंगे ये क्यों किया गया है जी। मैनू आगे देंगे असी अगे कानूनी कार्रवाई भी करनी।